तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 34 यानी 34 के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि कोई भी दो दोस्त हैं, कोई भी मान लो आप या आपका दोस्त कोई भी रहा हो, और आपका दोस्त जो है वो मर्डर करने के माइंड से जा रहा है कि मर्डर उसको करना है एक, और आपके उसके साथ में जा रहे हो जिस तरीके से, कोई कैसे भी ले जा रहे हो, चाहे आपको पता हो या आपको ना पता हो। कई बार होता है कि किसी को पता नहीं होता कि ये किस लिए जा रहा है और वो वहां जाके मर्डर कर देता है, और वो उसके साथ में होते ही और वो एक तरीके से पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों इसमें बताना चाहूंगा कि इसमें मर्डर के साथ जो धारा लगाई जाती है उसके साथ साथ धारा 34 को भी जोड़ा जाता है। जिस तरीके से कोई भी व्यक्ति उसके साथ में आ रहा है, जिस तरीके से मान लो आप जाए हो, और जिस तरीके से उन्हें पहले प्रूफ नहीं होता कि उसने कुछ किया है, उसको पता है नहीं पता है, तो उसमें धारा 34 को जोड़ा जाता है। और साथ ही आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने किसी भी तरीके से उसकी मदद करी है मर्डर करने में, चाहे वो किसी भी तरीके से रहा हो, आपने प्लानिंग बनाई है, आप भी उसके साथ मिले हुए हो, पूरी प्लानिंग आप पहले से करके गए हो या जाके मारेंगे, और जिस तरीके से अगर पहले लोग कर लेते हैं कि पहले से पूरी प्लानिंग, जो भी मिले हुए लोग होते हैं एक साथ में उन्हें सब पता होता है, जो वो जाके सारे लोग मिल करके उस काम को अंजाम देते हैं, तो इसमें तो कोई वो बचने का वो नहीं होता, ये जाके कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है। और दोस्तों जो इसमें रही बात सजा की, तो वही सजा होती है जो कि दोस्तों क्राइम करने वाले को या हत्या करने वाले को दी जाएगी। ऐसा नहीं है उसको सजा कम दी जाएगी और आपको ज्यादा दी जाएगी, या किसी भी तरीके से आपको कम दी जाएगी उसको ज्यादा दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता अगर आप उसके साथ में हो और ये जाके प्रूफ होता है। या तो इसलिए धारा 34 जोड़ी जाती है। और इसके साथ साथ आपको बता दूं, इसमें अगर उसको 7 साल की सजा हो रही है तो आपको भी 7 साल की सजा होगी, और इसमें अगर 8 साल की होती है तो आपको 8 साल की उम्र कैद की उसको होती है, तो आपको भी उम्र कैद की। अगर फांसी की होती है तो आपको भी फांसी की सजा ही होगी। उसमें कोई वो नहीं है कि आप बच जाओगे या कुछ होगा, उसमें जाके कोर्ट में प्रूफ होता है, कोर्ट में जाके ये चीज़ें रखी जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर सजा दी जाती है, आपने किस तरीके का क्राइम किया है या आपने पहले भी कर चुके हो या किस तरीके की, सारी वहाँ पे रिकॉर्ड देखा जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए हो कि धारा कितनी खतरनाक है और किस तरीके से लगाई जाती है। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बचकर रहें, अगर आपको पता चल जाता है कोई भी इस तरीके की सोच रखता है या कोई भी इस तरीके का काम करता है या कैसा भी रहा हो, अगर आपको लगता है कोई इस तरीके की सोच रहा है कि ऐसा करने का, तो उससे दूर रहें, उससे उसके पास इस तरीके से ना जाएं, उसके साथ में ना जाएं, किसी भी काम को अंजाम देने के लिए किसी की सहायता ना करें, क्योंकि इस समय हो सकता है आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाए और आपके हो सकता है पूरी ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ जाए और आपको घर वालों को कितनी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी उसके बीच। तो दोस्तों ये सारा देख करके अगर आप काम करोगे, ये सारा अगर आप जान लोगे, तो हो सकता है आप इन चक्करों में ना पड़े, हो सकता है इन कामों से दूर हो जाएं। अगर आप है भी तब भी हो सकता है दूर हो जाएं इन कामों में। लग रहा है कि जिस तरीके से देखकर, जिस तरीके से खबर सामने आती है न्यूज़ पे, अगर आप देखते होगे तो हर दिन कोई ना कोई क्राइम होता है वो दिखता है, जिस तरीके से आज का माहौल है उसमें आपने देखा ही होगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, लाइक और कमेंट करके बताना, आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। इसी के साथ नमस्कार।